अस्सलाम वालेकुम। तत्काल न्यूज़ लाइव नागपुर से अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के नए बस्ती इलाके में। तो जानते हैं हम अभी कि अभी जैसा कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो पुलिस के अफसर थे, मताने साहब, वहाँ के PI थे, इन सभी का मतलब यहाँ के लोगों ने सत्कार किया है। और ईद हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है, बहुत बड़ा मतलब त्यौहार है हमारे लिए। और इस पैंडेमिक के माहौल के अंदर ईद किस तरह मनाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन किया गया, आइए जानते हैं हम यहाँ पर। आपका नाम बताइए सर। मैं सलीम खान। सबसे पहले मेरे पूरे शहरवासियों को, विदर्भ वासियों को ईद की मुबारकबाद, ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ पाचपौली पुलिस निरीक्षक संजय मेंडे जी को भी मैं दिल से मुबारकबाद और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने समय समय पे हमें सहयोग किया और ईद के मौके पर पूरे रमज़ान के अंदर में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पुलिस विभाग ने जो हमारे साथ सहयोग किया। साथ ही साथ मैं सारे नागपुर पुलिस विभाग का, माननीय कमिश्नर साहब का, माकने साहब का, और साथ ही साथ मेरे पाचपाली जो पुलिस निरीक्षक अभी हमारे संजय मेडी साहब आए, ये लोगों की मेहरबानी से आज टेका एरिया जो आज जो है एक मुस्लिम एरिया, एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ पर में, लेकिन इन पूरे कोरोना काल के अंदर में 1% भी यहाँ पर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारियों ने यहाँ पर में नहीं हुई, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के लोगों ने अपने आप को मेंटेन करके रखा और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन का पूरा उपयोग किया गया। जिस तरीके से मस्जिद से लेकर रमज़ान महीने तक के जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन करी थी उसका पूरा यहाँ पर में पालन किया गया और आज हमने पूरे बस्ती के मस्जिद कमेटी और जो भी सामाजिक कार्य के लोग थे इनके माध्यम से आज हमने सोशल डिस्टेंस बनाकर आज हमारे संजय मेंडे साहब जो हमारे नए PI हमको मिले, बहुत ही सूझबूझ उनमें है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमको गाइड किया और आज हमने उनका मुस्लिम समुदाय की ओर से आज उनका हमने सत्कार किया। संजय मेंडे जी जो है ये पाचपौली के PI है जी, पाचपौली एरिया के हमारे अभी PI बनकर आए हुए हैं। और अभी जो कल जो ईद हुई है तो ईद यहाँ पर मतलब किस अंदाज में मनाई गई, जो मतलब हर साल खुशी का माहौल रहता है, ईद हम बहुत मतलब जोर पुर से मतलब मनाते हैं, बहुत खुशियों से मनाते हैं, तो इस साल भी पैंडेमिक का मतलब बहुत महामारी का मतलब हाल बुरा था, कई मौतें हो गई, कई अपने भी गए, कुछ गैर मुस्लिम जो हमारे दोस्त थे जो हमारे साथ में रात दिन उठते बैठते थे तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ईद आपने किस अंदाज में मनाया अभी? हमने ईद यहाँ पर में पूरी सादगी से मनाया, साथ ही साथ इस देश के अंदर में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हमने जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ये बीमारी किसी जात धर्म को देख के नहीं आई ना आती है, इसके अंदर में हर समाज का आदमी कहीं ना कहीं इस बीमारी के लपेट में आया है, इसलिए हमने बहुत ही सादगी के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उस आधार के ऊपर हमने यहाँ पर में इस साल ईद मनाने का प्रयास किया और पूरी तरीके से मनाया हमने, और हमें पूरी तरीके से जो है प्रशासन ने, पुलिस विभाग ने सहयोग किया और हम प्रशासन का तहे दिल से, हम पूरी मुस्लिम समुदाय की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। यानी इस खुशी के मौके पर भी आपने, आपका मतलब ये है कि ईद आप सभी लोगों ने घर में ही रह के मतलब ईद मनाई है और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिए, और कुछ लोगों ने तो ये सुनने में आया कि व्हाट्सएप पर ही मुबारकबाद दिए। बिल्कुल आपका सही सुनने में आया, और साथ ही साथ हमारे समुदाय के लोगों ने काफ़ी जगह जो दुनिया छोड़ के चले गए इन सभी को लेकर श्रद्धांजलि भी जगह जगह भी दी गई, उनको भी याद किया गया, और कोरोना के बीमारी में जो लोगों की मौत हुई भगवान से और अल्लाह से उनके लिए प्रार्थना भी की गई कि उनको जो है कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे, साथ ही साथ कोरोना जल्द से जल्द दुनिया से, हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, ये सब ने मस्जिदों के अंदर में,
जो पांच लोगों का कहा गया था उसके हिसाब से, घरों में जो लोगों ने नमाज़ पढ़ी उसके हिसाब से, जैसा भी लोगों से हमारे समाज के लोगों से हुआ उस तरीके से सबने दुआ किया है मिलकर जुलकर कि ये कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो जाए और सब जल्द से जल्द सही कारोबार पहले था वैसा सभी का कारोबार सभी समाज के चल रहा है। तत्काल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।